दो बिल्लियाँ और बंदर की कहानी। दो बिल्लियाँ एक केक के लिए लड़ रही थीं। एक बोल रही थी कि मैं ज़्यादा खाऊंगी और दूसरी बोल रही थी कि मैं ज़्यादा खाऊंगी। पेड़ पर से एक बंदर ये सब देख रहा था। बिल्लियों को लड़ता देखकर बंदर नीचे आ गया और बिल्लियों को कहा, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल है। मैं इस केक के दो बराबर टुकड़े कर देता हूँ। इस तरह तुम्हें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, दोनों को बराबर आ जाएगा। बिल्लियाँ बंदर की इस बात पर राजी हो गई। बंदर चालाक था, उसने केक के दो टुकड़े किए, लेकिन फिर अचानक बोला, अरे इस बार केक बराबर नहीं कटा। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा केक खा लेता हूँ ताकि दोनों टुकड़े बराबर हो जाए। बंदर ऐसे करते करते पूरा केक खा गया और अंत में बिल्लियाँ एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आपसी लड़ाई में कोई और आपका फ़ायदा उठा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।